Hare 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 Rama Hare Rama
Thank you.
Jai Guru Dev, Jai Guru Dev, Jai Shri Ram Guru.
यह हमारा इस्कॉन भुवनेश्वर के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और महाराज का जैसे पुरी में आए थे जो परिक्रमा के लिए लेकिन महाराज का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया तो महाराज को इधर रुकना पड़ा थोड़ा दिन लेकिन उसमें मुझे इष्टदेव प्रभु बता रहे थे कि महाराज जी को उधर 18 दिन रुकना पड़ा ये श्री जगन्नाथ जी का स्वतंत्र इच्छा है कि महाराज को पास में रखने के लिए तो यह हमारा बड़ा सौभाग्य के दिन है कि महाराज का बहुत अच्छा रियलाइजेशन इस बार हुआ है क्योंकि पुरी में इतना दिन रहे जगन्नाथ जी के साथ तो महाराज जी के मुख से हम लोग थोड़ा सा महाराज के मुख से थोड़ा कृष्ण कथा सुनेंगे अभी लेकिन उसके बाद में हम लोग का 2 दिन का तो प्रोग्राम है इधर आप लोग सब आएंगे इधर और महाराज जी को मैं इस्कॉन भुवनेश्वर तरफ कृष्ण भुवनेश्वर एवं सब भक्त की तरफ से स्वागत करता हूँ या कुछ कहूंगा पता नहीं कृष्ण कथा होगी कि कुछ कथा होगी तो ये भी जोड़ दिया था विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि मुझे पहले ही आना था श्री क्षेत्र परिक्रमा के तुरंत बाद किंतु उस समय नहीं आया मैं कि आ तो गया ही या मुझे आना भी था ही वैसे जगन्नाथ स्वामी की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय इन सब की कृपा से या उन सब की अहेतु की कृपा से मैं जगन्नाथपुरी में कुछ दिन के बजाय कुछ दिन ही नहीं अनेक दिन वहाँ रहा मैं आज ही मैंने सुना जब हम प्रस्थान कर रहे थे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष रहे जगन्नाथपुरी में कितने वर्ष 18 वर्ष और मैं 18 दिन वहाँ रहा और पहले के सारे रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए ये सारी मेरी योजना नहीं थी ऐसा सोच के गए तो नहीं थे किंतु जैसे मैंने कहा ही ये अहैतु की कृपा जिसको हम कॉजलेस मर्सी कैसी मर्सी कॉजलेस मर्सी अहैतु की कृपा न जाने कैसे मैं पात्र बना ऐसे कृपा का अरे अरे सो थैंक यू जगन्नाथ स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद और मेरे प्रिय गुरु भ्राता श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जिन्होंने मुझे जगन्नाथपुरी में रखा कितने समय के लिए और फिर वे ही मुझे यहाँ इस्कॉन भुवनेश्वर ले आए हैं अभी आए थे परिक्रमा में श्री क्षेत्र परिक्रमा में अपने से कौन कौन आए थे कोई आए थे अच्छा अधिक नॉर्मली अधिक माताएं जाती रहती है लेकिन यह तो उड़ीसा में उल्टा है अधिक पुरुष भक्त वहाँ गए माताएं कम गई अरे अरे वैसे भुवनेश्वर भी जगन्नाथपुरी का ही अंग है गेटवे ओके मैं सोच रहा था कुछ मिनट पहले और तुमने वही बात कही गेटवे प्रवेश द्वार जगन्नाथपुरी का प्रवेश द्वार है
भुवनेश्वर धाम की and Lingaraj is gatekeeper. ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे ऐसा भी गौर गोविंद स्वामी महाराज कहे कि ये लिंगराज ये गेट कीपर भी है कहो या क्षेत्रपाल है या दैट्स द टर्म क्षेत्रपाल और ये अम्रकानन है एकाम्रकानन और जगन्नाथपुरी में एक शंख है एक चक्र है तो ये कौन सा है हाँ ये चक्र है ये चक्र है हरी हरी तो ये चक्र भी जगन्नाथपुरी ही है पर वह नीलाचल निवासाय हरये परमात्मने बलदेव सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः ये जगन्नाथपुरी जगन्नाथ स्वामी का धाम है या ग्राम भी है ऐसा कह सकते हैं कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है तो ऐसे जगन्नाथपुरी के चक्र जो जिसको चक्र कहते हैं ऐसे भुवनेश्वर के और फिर इस भुवनेश्वर में भी इस्कॉन भुवनेश्वर है उस इस्कॉन भुवनेश्वर के आप सदस्य हो उस भुवनेश्वर मंदिर के या इर्द गिर्द रहने वाले आप जो निवासी हो तो वैसे आप भी जगन्नाथपुरी के ही निवासी हो री री और वैसे जगन्नाथपुरी धाम तो जगन्नाथपुरी धाम धाम है जगन्नाथ का धाम है और ये इस पृथ्वी का अंग नहीं है ये संसार का अंग नहीं है इस बियॉन्ड तो एक प्रकार से हम लोग भगवत धाम पहुंच गए भगवान ने हमें उनके धाम में उनके ग्राम में ही उनके गांव में ही जन्म दिया आप सबको मेरा जन्म तो वैसे well, why not कह सकता हूँ क्या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए जब महाराष्ट्र आए तो मेरे गांव से भी वे गुजरे चैतन्य महाप्रभु तो मैं भी तो मुझे भी चैतन्य महाप्रभु ने भाग्यवान बनाया उसी गांव में जन्म दिया जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आगे बढ़े गुजरे पंढरपुर की ओर कोल्हापुर से पंढरपुर जा रहे थे तब ये सब भाग्य की बातें है ही तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ही शब्दों में जब वे सनातन गोस्वामी से बातें कर रहे थे वाराणसी में तो उन्होंने कैसे व्यक्ति को भाग्यवान कहा ब्रह्मांड ममिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज
परियरी। तो उस दृष्टि से भी हम सभी भाग्यवान बन चुके हैं या गौरांग महाप्रभु ने हम सभी को भाग्यवान बनाया है। और हम सबको गौड़ीय परंपरा के साथ जोड़ दिए हैं। आप सब जुड़े हो गौड़ीय परंपरा से। हरी हरी। वही परंपरा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जगन्नाथपुरी में ही रहते थे और यहाँ के जगन्नाथपुरी मंदिर का कारोबार भी संभालते थे। भक्ति विनोद ठाकुर हरी हरी। और विमला देवी की कृपा से या जगन्नाथ की कृपा से उनको पुत्र मिले या पुत्र दिए। इसका नाम उन्होंने विमला प्रसाद नाम रखा। ये प्रसाद किसका है? विमला देवी का प्रसाद है। जो विमला देवी वैसे जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करती है, पहला प्रसाद किसके पास पहुंचता है? विमला देवी के पास। तो जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करने वाली विमला देवी ने उस देवी का प्रसाद, विमला प्रसाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर, फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हरि हरि। जिनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ का रथ भक्ति विनोद ठाकुर के कोठी के सामने ही खड़ा रह गया, भगवती हैं भगवती श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भारिया धर्म पत्नी, वो लेके गई, सीढ़ी से चढ़ी होगी क्रॉस, और जगन्नाथ को ना विमला प्रसाद को जगन्नाथ के चरणों में जैसे ही रखा तो जगन्नाथ स्वामी के गले की माला ये तो टूट नहीं रही। भगवान ने मानो पहनाई ये अपनी अपने गले की माला श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। हरी हरी। ये कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार का कार्य, उसको पुनर्जीवित करने का कार्य कहो, प्रचार का कार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रारंभ किए। और उसको आगे बढ़ाए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्हें तो हुआ सिक्सटी फोर गौड़ीय मठों की स्थापना भी की उन्होंने पूरे भारत भर में, कुछ बंगाल में, बांग्लादेश में और कुछ विदेशों में भी। और फिर ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे ऐसे कैसे कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आदेश दिया अभय बाबू को, तुम क्या करो, तुम पाश्चात्य देशों में जाओ, वह भागवत धर्म का या श्रील प्रभुपाद कई कई प्रकार चैतन्य स्कल्ट चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाओ। तो उल्टा डांगा जंक्शन रोड राइट कोलकाता में वह आदेश मिला। अरे अरे, मैं कहते रहता हूँ, ऐसा मेरा विचार है, जो सही होना चाहिए
यह आदेश कहे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके मुखारविंद से वचन निकले तो सही, किंतु ओरिजिनली इसको कहने वाले तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही होंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद को जो सेनापति भक्त, कैसे भक्त, सेनापति भक्त, हम जो सेना है, हम जो सेना है, वानर सेना नहीं है, हम संकीर्तन सेना है, उसके पति श्री प्रभुपाद की, उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु निमित्त बनाना चाहते थे। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, ठाकुर को निमित्त बना के वो आदेश चैतन्य महाप्रभु का आदेश श्री प्रभुपाद तक पहुंचा, और फिर श्री प्रभुपाद हरिहरी, और अभी श्री प्रभुपाद क्या करने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच करके दिखाने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते अचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो बहुत समय से महाप्रभु ने भविष्यवाणी तो कही तो सही, किंतु वह 100 200 300 400 450 वर्ष बीत गए, किंतु वह हरि नाम तो केवल उड़ीसा और बंगाल में ही हो रहा था। तो लोग सोच रहे थे क्या ये सच होने वाला है कि नहीं, कि उड़ीसा और बंगाल ही भारत है क्या, भारत भूमि थे। तो वह तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को पावरा पठौरनी दी, कहो पावरा पठौरनी, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः, उनको साक्षात हरि या भगवान या चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि बने या बनाए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और फिर श्रील प्रभुपाद गए फाइनली अमेरिका पहुँचे, और उन्होंने हरि नाम का प्रचार करके दिखा ही दिया अमेरिका में। हरी हरी, और फिर धीरे धीरे क्या कहना, वहाँ के हिप्पीज भी हो गए, हिप्पीज हो गए, कैसे, चैन हरे कृष्णा एंड, अब नया साल भी आने वाला है, लोग कहने वाले हैप्पी वेल न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे अरे, किंतु हुआ हम लोग हरे कृष्ण लोग, जो हम प्रभुपाद से सीखे, प्रभुपाद ने कहा चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो हम दुनिया को केवल हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज, बर्थ एनिवर्सरी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, केवल ऐसी शुभेच्छा ही नहीं करते या कहते, हम सब दुनिया को बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की ओर से, श्रील प्रभुपाद की ओर से, श्रील भक्ति विनोद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर श्री प्रभुपाद की ओर से, फिर गौर गोविंद स्वामी महाराज की ओर से, हमारी ओर से, क्या कहते हैं हम सारी दुनिया को, जय हरे कृष्ण एंड, या फिर न्यू ईयर के समय भी आप सब कहोगे,
और मुझे कहना होगा. Also distribute Srila Prabhupada's books and be happy. वो भी आदेश था चैतन्य महाप्रभु का वैसे. जारे रखो त्यारे कहो क्या कृष्ण उपदेश. जारे रखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश. अमार अज्ञाय गुरु अय्या तार ही देश. और ये आदेश वैसे चैतन्य महाप्रभु ने सारे अनुयायियों को दिए. वैसे वो आदेश तो हुआ चैतन्य महाप्रभु यहाँ से जब आगे बढ़े दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे कुर्म क्षेत्र पहुँचे. कुर्म क्षेत्र तो वहाँ के ये सब फिर कथा शुरू हो जाती है. तो वहाँ के एक ब्राह्मण के अतिथि बने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. उनके घर पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भिक्षा ग्रहण की. भिक्षा मतलब भोजन. आप भी चाहोगे कभी चैतन्य महाप्रभु के घर आ जाए भोजन के लिए? नो? ज्यादा उत्साही नहीं लग रहे आप? हरी हरी. तो फिर ऐसा ही होता है चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने आतिथ्य किया, खूब सेवा की, अंग संग प्राप्त किया. तो फिर चैतन्य महाप्रभु जाने के लिए तैयार हुए तो ये कुर्म ब्राह्मण भी कहने मी टू, मुझे भी ले चलो, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ. लेकिन कम से कम उस समय तो, और वैसे हर समय भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं तुम यही रहो, इसी क्षेत्र में रहो. और क्या करो? जारे रखो, जारे कहो कृष्ण उपदेश. तुम यही रहकर कृष्ण का उपदेश को फैलाओ, पहुंचाओ. वैसे इस प्रकार का आदेश चैतन्य महाप्रभु हर गृहस्थ को दे रहे थे. जहाँ जहाँ वे भिक्षा को ग्रहण करते तो वहाँ उस गृहस्थ को भी ये आदेश दिया करते थे. कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो अभी लिख रहे थे ग्रंथ, उसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाना चाहते थे. उनके पास समय भी नहीं था, वृद्धावस्था थी और मुश्किल हो रहा था वैसे लिखना. और पूरी लीला का संकलन भी करना ही था. तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही बार चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक ही बार कहा कुर्म ब्राह्मण को जब मिले और उनको जब कहे कि आदेश चारे रखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश. हमारा ज्ञाय गुरु अय्या तारे देश. किंतु ऐसा आदेश उपदेश तो चैतन्य महाप्रभु हर गृहस्थ को दे रहे थे. तो आपके घर भी यदि चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो ऐसा आदेश जरूर मिलेगा. आप अगर तैयार हो ऐसा आदेश स्वीकार करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आ सकते हैं. आपकी इच्छा ही नहीं है कि ऐसा आप करें, प्रचार करें, जारे रखो तारे कहो कृष्ण. ना 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 ना, फिर चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे. आप क्या चाहते हो? आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आपको आदेश देंगे जारे रखो. तो यही बातें वैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद की. और
फिर आगे गौर गोविंद स्वामी महाराज भी और हम भी प्रभुपाद के शिष्य भी और अब आप भी सब ऐसा प्रचार कर रहे हो और चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन कर रहे हो, तो मुझे ये बात कहनी थी कि यह चारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है? व्हाट इज कृष्ण उपदेश? कई है लेकिन जिसको कृष्ण उपदेश कहते हैं हम, वो कौन सा उपदेश है? कृष्ण उपदेश या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः, श्रीमद् भगवद गीता के जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मये जो चैतन्य श्री कृष्ण भगवान उपदेश किए, वो भगवद गीता का वितरण करना मतलब भी है चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना। और यही बात श्रील प्रभुपाद भी खूब दोहराए और हम सब उनके शिष्यों को और फिर शिष्यों के शिष्य आप जो बने हो सबको यही करना है। क्या करना है? इस भगवद गीता का इस महीने में अधिक से अधिक वितरण करना है। और इफ यू वांट टू प्लीज मी, इफ यू वांट टू प्लीज मी, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, प्रभुपाद का है। You want to please Srila Prabhupada? Or if you want to please Gaur Govind Sai Maharaj, to please your Guru Maharaj, jo bhi Guru Vrind hai is kaan mein, to is mahine mein aap sabhi ko Srila Prabhupada ke granthon ka, specially Bhagavad Gita ka वितरण करना होगा। आप तैयार हो? अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर मैं भाषण और सुनाऊंगा। इफ यू आर रेडी फिर आपको प्रसाद दे दूंगा। सारी रेडी? या मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करने से गौर गोविंद स्वामी महाराज भी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि गौर गोविंद स्वामी महाराज की जो कई सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही उसमें से मुख्य तो श्रील प्रभुपाद के सभी ग्रंथों का भाषांतर उड़िया भाषा में, हाँ उड़िया ही कहते ना, उड़िया भाषा में अनुवाद करने का श्रेय गौर गोविंद स्वामी महाराज के उनको जाता है। वैसे अपना हरी हरी मैं तो जानता ही हूँ, आप सब आप उतना नहीं जानते होंगे जितना प्रभुपाद के शिष्य और मैं भी जानता हूँ कि कितना परिश्रम किए गौर गोविंद स्वामी महाराज ताकि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में जो गीता भागवत का भाषांतर है, तात्पर्य है, उसका उड़िया भाषा में भाषांतर करने के लिए उनका अथक परिश्रम रहा। तो वही ग्रंथ प्रभुपाद के ग्रंथ जो गौर गोविंद महाराज भी अनुवादित किए उड़िया भाषा में, उसका वितरण यदि हम करेंगे, आप करोगे, तो गौर गोविंद साईं महाराज भी प्रसन्न होने वाले हैं और श्रील प्रभुपाद भी प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे।
और फिर यही है यश प्रसादात भगवत प्रसादो, हमारे गुरु वृंद प्रसन्न है तो फिर, और यही विधि है वैसे भगवान को प्रसन्न करने की, सीधे प्रसन्न नहीं कर सकते के प्रतिनिधि को पहले प्रसन्न करना होगा और वे प्रसन्न होंगे तो देन इट इज गारंटीड कि भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो जिन्होंने हमें भाग्यवान बनाया हम सभी को, हमको भुवनेश्वर में जन्म दिया है ये भी भाग्य की बात, और फिर आगे हम सभी को जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसके संपर्क में लाया और हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध से शुरुआत होती है, हर बात संबंध से शुरुआत होती है और हमारा संबंध परंपरा के साथ भगवान के साथ भी संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये सब संभव कराने वाले वैसे भगवान तो सर्व कारण कारण है ही, तो भी यदि प्रभुपाद न होते, यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते कुछ होता, फिर मैं भी नहीं होता। और गौर गोविंद महाराज भी नहीं होते, फिर ये मंदिर भी नहीं बनता, आप भी मंदिर ही नहीं है तो मंदिर से कैसे जुड़ जाते आप, या गौर गोविंद महाराज के साथ भी कैसे जुड़ जाते, या प्रभुपाद के ग्रंथ भी आप कैसे पढ़ते या उस ग्रंथों का वितरण करो, ये सब बातें मैं कैसे कहता, ये सब कुछ नहीं होता। आज की ये बैठक हो रही है ये भी नहीं होती यदि प्रभुपाद ना होते। तो श्री प्रभुपाद की, तो जो कृपा की हुई है हम सभी पर श्री प्रभुपाद ने और साथ ही साथ उनके शिष्यों ने, तो इस हम ऋणी है, हम ऋणी है श्री प्रभुपाद के, ऋणी है समझते, ऋणी है मतलब वी आर इंडेटेड टू श्री प्रभुपाद। तो स्वीकार करना एक बात है, स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है वैसे कि हम ऋणी है, और फिर ऋणी है तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए भी तो कुछ हमें भी कुछ करना होगा बदले में ताकि हम उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो एनीवे यही बात मैं एक मिनट में कहकर, एक समय प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो वह ये ऋण की बात, गुरु का कितना ऋण होता है, श्रील प्रभुपाद के का हम पर इतना ऋण, हम कितने ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद के, इस पर चर्चा हो रही थी तो वह शिष्यों ने पूछा क्या प्रभुपाद इस ऋण से मुक्त होने का कोई विधि है, कोई तरीका है, कोई साधन है। तो प्रभुपाद तो पहले कहे नो, देयर इज नथिंग यू कुड डू, इस ऋण से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रारंभ में कहे प्रभुपाद। और फिर थोड़ा रुके प्रभुपाद, रुके और फिर कहे यस यस वन थिंग यू कुड डू, एक बात आप कर सकते हो, व्हाट इज दैट प्रभुपाद, वो क्या है। तो फिर प्रभुपाद कहे, ये बड़ी फेमस बात है इस कान में,
प्रभुपाद कहे यू डू एज आई डिड, तुम वैसे ही करो जैसे मैंने किया। या जिस कार्य को मैंने प्रारंभ किया है उस कार्य को आप क्या करो, आगे बढ़ाओ। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तो ये प्रयास उस ऋण से मुक्त होने का एक प्रयास होगा। तो आप सब तैयार हो? अच्छा श्योर, ओके। और इस पर और आगे बात करेंगे, स्पेशली गीता वितरण, गीता मैराथन चल रहा है, आपको पता है ना, विश्व भर में इस्कॉन के सभी फॉलोअर्स मैदान में उतर रहे हैं, इवन इन कनाडा, इन रशिया, जहाँ इतनी ठंडी है वहाँ तो बर्फ गिर रहा है, -20 degrees, -30 degrees में भी भक्त बाहर जाकर श्री प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। हमने जो बचा ना, इसके साथ एक एक प्रभुपाद का ग्रंथ वहां वितरण हो रहा है कहीं ना कहीं पर। एट एवरी मोमेंट, हर क्षण कहीं ना कहीं। तो वैसा भुवनेश्वर में भी होना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो मैं सारे भक्त की तरफ से महाराज जी को धन्यवाद अर्पण करता हूँ। महाराज जी का कम समय में श्री प्रभुपाद की कृपा, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा, भक्ति मुनि ठाकुर सर की कृपा और जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा समस्त लाइन में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Hare 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 Hare
لاين
Semana de la ciudad de la ciudad.